गुरुजी ने क्या नहीं किया, गुरुजी पर ये रोक क्यों लगाए जा रहे हैं, आप सच्चाई की तरफ जाइए। हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गंभीर से सोचें, हमारे गुरुजी पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं। हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरुजी पर ऐसा कुछ ना करें, आप जल्दी से जल्दी इसकी तरफ कार्रवाई कर और सच निकालें, हमारे गुरुजी को हमारे बीच में लाएं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी इंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में जनता का क्या मानना है, क्या कहना है, बात करते हैं सीधा उन्हीं से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी इंसा है। रजनी जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो? मेरे को वैसे तो हमारी तीन पीढ़ियां ही डेरा से जुड़ी हुई हैं, मेरे को 18 साल हो गए हैं नाम लिए हुए को और डेरे से जुड़े हुए हैं। क्या जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में? डेरा सच्चा सौदा, जैसे कि सच्चा सौदा नाम है वैसे ही वो एक सच्चा मार्ग है जो सच्चाई पे चलाने के लिए बनाया है, जो सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। कैसी शिक्षा वहाँ पर दी जाती है? हमें गुरुजी ने शिक्षा दी है, बड़ों का सम्मान करना, अपने व छोटों का सम्मान करना और अपने हम उम्र को अपने भाई बहन जैसा समझना और बड़ी उम्र वालों को अपने पिता और दादा के समान समझना। और हमें गुरु ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है और मान सम्मान करना सिखाया। हमें कुछ नहीं आता था, हमारे गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हम बयान नहीं कर सकते हमारे गुरुजी ने हमें क्या क्या सिखाया है। गुरुजी ने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया? गुरुजी और ने समाज व देश के लिए जो किया है ऐसा शायद किसी ने भी नहीं किया, आज तक किसी ने भी नहीं किया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। गुरुजी ने क्या नहीं किया इस जनता के लिए, हमें जो सिखाया है दूसरों के लिए भला करना, वे भला मांगना, वो गुरुजी ने हमें बताया है। ये दुनियादारी के बारे में बताया, दुनिया में क्या है क्या नहीं है, जिस प्रकार से जनता ये बुराइयों की तरफ बढ़ती जा रही है, गुरुजी ने इसकी तरफ से रुकाकर हमें जो गुरु के प्रति हमें जो भावना है हमें सिखाया है, भी अच्छा सम्मान करना, वे बुराइयों को दूर करना और हमें एक नेक इंसान बनाने में गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने नशे बंद करवाने के लिए क्या कदम उठाए? गुरुजी ने नशा बंद करने के लिए बहुत कुछ करवाया है। गुरुजी ने ना घर में से बुराइयां निकलवाई हैं और गुरुजी ने ना नशा छुड़ाने के प्रति देश में जो नशा फैला हुआ है, जिस प्रकार से आजकल यंग युवक जो नशा करते हैं, वह उनको सिखाया है कि ये नशा छोड़कर भी आप अपने समाज की तरफ, भलाई की तरफ बढ़ें और ये नशा छोड़ दें। बेटियों के लिए क्या कदम उठाए हैं? बेटियों के लिए गुरुजी ने बेटियां, जो हम सोचते थे भी बेटियां इतनी क्यों होगी, आजकल समाज में एक या बेटी या दो तो कोई सोचता ही नहीं, इसलिए पहले होता था बेटियां बोझ हो जाती थी, आजकल बेटियां तो नाम रोशन करती हैं, गौरव करती हैं। आज हमारी बेटियों ने क्या नहीं किया, बेटियां हर जगह नाम रोशन कर रही हैं आज जो बेटियां हैं संसार में। और गरीबों के लिए क्या कदम उठाए हैं गुरुजी? गरीबों के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, गुरुजी जैसा गुरुजी ने सिखाया है, गुरुजी ने सिखाया जैसे कि हम जो गरीब लोग जनता है उन्हें समझ दी है भी हम अपना रोजगार निकाल कर अपना काम करें स्वयं, और हम उनसे मतलब जो सिखाया है कि जैसे हम अपना काम करेंगे और रोजी रोटी कमाएंगे और हम उसे खाएंगे, दूसरों को भी जैसे चोरी दंगा करते हैं जो इंसान, तो उनसे क्या हो जाता है भी, इसलिए गुरुजी ने सिखाया हम अपना काम कर चाहे कोई भी काम हो वो हम काम करेंगे, उससे हमारी गरीबी दूर होएगी। इसलिए क्या आज के समय में गुरुजी की समाज को ज़रूरत है? हाँ, गुरुजी की हमें ज़रूरत है। गुरुजी, ये जैसे महामारी फैल रही है, इतना खौफ बढ़ रहा है, इतना महामारी चारों तरफ से बढ़ती जा रही है, जब हमारे गुरुजी हमारे बीच में होते तो ये शायद कुछ भी ना होता, हम सही सलामत होते। जो गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं उससे हमें एक शक्ति मिलती है, गुरुजी जो कहते हैं उससे हमारे कानों में जैसे गूंज सी पड़ती रहती है भी, गुरुजी ने जो सिखाया वो बार बार गूंजता रहता है भी, जैसे ये अब इतनी महामारी में हम कैसे जिए, इतनी महामारी जो बढ़ रही है, गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। 3 साल होने वाले हैं, क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर जब से वो नहीं है समाज के अंदर? समाज में बुराइयां ही बढ़ी हैं 3 साल में,
क्या नहीं हुआ, समाज में बुराइयां बढ़ते हुए देश में इतना कुछ हो रहा है जो पता भी नहीं लग रहा है, इतना कुछ होए जा रहा है दिन पर दिन। कोरोना का जो चल रहा है आज जो सीरियल, इसका शायद कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि इससे क्या होने वाला है आगे। गुरु जी के ऊपर जो एलिगेशन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? गुरु जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये सब झूठ है। किसी ने देखा हो तो आगे सामने आए ना, तो वो बताएं भी हमें गुरु जी ने ऐसा किया या ना किया हो। आप सामने आओ, आप बताओ गुरु जी ने क्या किया है। आप क्यों दुनिया के पीछे लग लग के उनकी बातें सुन सुन के, हमें तो कहीं सुनने को नहीं मिलता। हमें तो गुरु जी ने जो सिखाया हमें तो यही है भी आदर्श बनना सिखाया और सच्चा एक नेक इंसान बनना सिखाया। गुरु जी ने क्या नहीं किया, गुरु जी पर ये रोक क्यों लगाए जा रहे हैं? आप सच्चाई की तरफ जाइए। हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गंभीर से सोचें, हमारी गुरु जी पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं? हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे गुरु जी पर ऐसा कुछ ना करें। आप जल्दी से जल्दी इसकी तरफ कार्रवाई कर और सच निकालें, हमारे गुरु जी को हमारे बीच में लाएं और देह रूप में लाएं। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से बस यही मांग है, आप जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को हमारे बीच इस देह रूप में लाएं। और आप सरकार से हम यही मांग करते हैं, आप सच देखें और झूठ देखें, और जो सच है उसकी तरफ आप जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाएं, देर ना करें और हमारे गुरुजी को हमारे बीच में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।